देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर पीसी में यूट्यूब को ओपन करना है और लॉगिन कर लेना है अपने चैनल को। अब आपको चैनल आइकॉन पर क्लिक करना है और यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा, और जो इंटरफेस ओपन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और डेस्कटॉप साइट इनेबल करेंगे तो इसी तरीके से खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस है, यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं, आपको सेकंड ऑप्शन एड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये एड सूटेबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे फर्स्ट लाइन ग्रीन में जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने अभी तक जितनी भी रेटिंग्स दी है वो लगभग वहाँ पे मैंने सही रेटिंग्स दी है, यहाँ पे टिक भी लगा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पे व्यू रेटिंग्स लिखा हुआ है, हाईलाइट है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपने जितने भी वीडियोस पे रेटिंग्स दिया है मैन्युअली, वो सभी वीडियो की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वीडियोस में सही रेटिंग्स दिए हैं और कितने में गलत रेटिंग्स दिए हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, देखिए एक्शन का बटन है यहाँ पे। अगर किसी वीडियो पे YouTube आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है तो वो यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना ऑप्शन है, एक तो यहाँ एरो से आप चेक कर सकते हैं अगर आपकी वीडियोस लिस्ट में जितनी शो हो रही है इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन है, सभी वीडियो यहाँ के सामने सामने आपका डेट भी है, और यहाँ पे डॉलर दिखा रहा है, देखिए ऑन है मोनेटाइजेशन, किसका डॉलर येलो है क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे एक वीडियो में येलो डॉलर यूट्यूब ने दे दिया था, लिमिटेड एड्स लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया था दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस कैसे चेक करें बिना सीन किए, तो ये जो था ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं था, कुछ गलती नहीं की थी, लेकिन पता नहीं यूट्यूब ने क्यों ऐसा यहाँ पे कर दिया, उसे लगा कि मैंने गलती की है, मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी मैंने उसको फॉलो नहीं किया है यूट्यूब के हिसाब से, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप 50 पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक बार में 50 वीडियो तक मैक्सिमम जो होगी वो आपको शो होगी, ये तरीका था। और इसके बाद अब देखिए एक तरीका और आपको मिलेगा, दूसरा तरीका क्या है और बताते हैं। अभी देखिए एक तरीका आपको ऊपर में मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सभी वीडियोस को चेक कर लीजिए, यहाँ पे जितना भी वीडियोस है आपने अपलोड किया है, मतलब जितने भी वीडियोस पे आपने रेटिंग्स दिया है आप सब कुछ चेक कर लीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको यहाँ पे एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये जो रेटिंग्स का जो ऑप्शन है ये केवल उन्हीं लोगों को आता है जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है उनको भी ये ऑप्शन सिर्फ डेस्कटॉप साइट पे मिलता है, मोबाइल वर्जन के लिए ये सब अवेलेबल नहीं है। मतलब मोबाइल से भी करते हैं तो गूगल क्रोम में जाकर डेस्कटॉप साइट इनेबल करेंगे, वहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे, तब ये ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीन लाइन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए योर वीडियोज़ यूट्यूब रेटिंग्स यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से देखिए लिमिटेड एड्स और यहाँ पे सेफ फॉर एड्स जो है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपके किस वीडियो में क्या है नहीं है, जैसे कि मेरे एक वीडियो इस पर येलो डॉलर आया था, तो आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे डाल के तो वो आपको यहाँ से दिखा देगा। तो ये इसका जो है दो तरीका है चेक करने का, एक तो मैंने आपको बताया नीचे एरो से आपको आगे करके चेक करने का है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके जितने भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस की लिस्ट आपको चेक करनी पड़ेगी, और यहाँ से जो ऑप्शन मिलता है फिल्टर वाला ऑप्शन, इसे फिल्टर बोलते हैं। तो फिल्टर में क्या है कि आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन के हिसाब से आपको वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम जो है कम से कम समय में हो जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये समझाने की कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने किस वीडियोस पे जो रेटिंग्स दिया है सही दिया है गलत दिया है कितना परसेंट किया है। अगर फिर भी कुछ समझ में प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे।